बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक, तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो हम आज निशात स्टूडियो का लोगो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस आप करें वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में, तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट यार सिंपल सा मेथड है, कोई यहाँ पे साइंस रॉकेट नहीं है कि जो यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं। एस को करना है तो यहाँ पे मैं एन और एस को टाइप कर लेता हूँ। इसमें मैंने टाइम जो है वो यहाँ पे फ़ॉन्ट लगाया है, तो ये आम सा फ़ॉन्ट है, ये इतना बड़ा कोई है नहीं। तो जस्ट इसमें हमने अपना माइंड यूज़ करना है और अपना लोगो क्रिएट करना है। कैसे चलें स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके आउटलाइन को क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आप लोग को बाद में दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको अनग्रुप करना है, अनग्रुप करके ये वाला जो है पोर्शन इसको उठा के यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो है हम लोग अलाइनमेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इतना, ठीक है। इस तरह जो है आप लोगों ने इसको जो है वो कर लेना है क्रिएट। करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यार मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा ये वाली स्पेस हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने क्रिएट करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे, तो यहाँ पे 10% करके ओके कर देंगे। करने के बाद अब आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शेप टूल को लेना है और इसमें हमने अपना कोई भी कलर फिल कर लेना है। करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो समझ लेना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसको जो है आप लोगों ने यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे भी आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना है, और ये वाला भी आप लोगों ने रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये वाला भी रिमूव कर देना है, और इसको जो है हम लोगों ने वन लेयर रहने देना है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे बीच में भी इसको स्पेस को रहने देंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको जो है वो वन लेयर कर लेना है, इसको आप रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो लग रहा है। अगर आप इसको जो है वो सेलेक्ट करके और पाथ में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे, ओके पाथ में, और यहाँ पे 10% कर लिया। और करने के बाद अब आप लोगों ने एक काम करना है, ये जो था हमारा एस, ठीक है, इसको हमने निकालना है। कैसे, शेप टूल को अगर निकालना चाहो तो यार आप निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना तो आप लोगों के ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इस तरह आप इसको निकाल सकते हो और इसको वन लेयर कर सकते हो, ये देखें, ओके। तो इसको आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यार ये कितना ज़बरदस्त यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये देखें। और अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो आप खुद इमेजिन करें कि ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमने एक फ़ॉन्ट यार यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे हमने एन और एस को क्या है उसको ऑफसेट में जाकर उसकी थोड़ी सेटिंग करके जो है अपना लोगो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे यार हमारा एन और एस लग रहा है। तो इसमें आप कोई भी ग्रेडिएंट कलर करें, कुछ भी करें, तो नीचे जो है हम यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देंगे निशात स्टूडियो। तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट आप लोगों ने लगाना है और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो अगर इसमें मैं अगर अपना यूज़ करूं तो यार ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोग खुद देखें और सोचें एक बार कि हमने ऐसे काम करना है प्रोफेशनल तौर पे, या हमने बस ऐसे ही उठा के जैसे लोकल लोग लगाते हैं लगा लें। तो अब यार ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो निशात स्टूडियो का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपकी कंपनी का नेम बनता है आप यहाँ पे वो जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे मैंने निशात स्टूडियो को लिखा है, तो सो इसलिए। तो आई होप किस तरह का लोगो क्रिएट करने में अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार आप लोगों ने जो है वो राय ज़रूर मुझे देनी है कमेंट करके कि आप लोग को मेरा
आइडिया कैसे लगा और लोगों को कैसे लगा तो आप लोगों ने ज़रूर जो है कमेंट करके मुझे बताना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।